Hey guys, what's up? So, अब ये मेरा फाइनल वीडियो है मनाली ट्रिप का. आई एम हेडिंग टू मणिकरण जो कि 45 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है कुल्लू से. तो लास्ट दो वीडियोस में दिखाया था कि मैं हडिंबा टेंपल गई थी, मॉल रोड एंड बुद्धिस्ट टेंपल, एंड देन आई हेडेड टू सोलांग वैली एंड वशिष्ठ टेंपल. वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. सो रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे. तो हम घुसे एक दुकान में जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल वेयर मिलते हैं, हिमाचली कैप, शॉल्स एंड कुर्ताज, वुलन कुर्ताज. सो यहाँ से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की, रीजनेबल प्राइस में ही है. तो आफ्टर दैट हम लोग मूव अहेड किए क्योंकि लंबा जर्नी है. तो मणिकरण बेसिकली पार्वती रिवर के पास है, पार्वती वैली में. एंड दिस इज़ अ पिलग्रिमेज सेंटर फॉर बोथ सिक्स एंड हिंदूज. यहाँ पे आपको मंदिर भी दिखेंगे लॉर्ड कृष्णा के और शिव जी के भी, और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, लंगार भी है. रास्ता काफ़ी ख़राब था, ख़राब नहीं लेकिन बहुत डरावना था क्योंकि बहुत छोटा रास्ता है. सो लोकल लोगों से पता चला कि मणिकरण में भी बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं लेकिन उस टेम्परेचर ज़्यादा हाई है वशिष्ठ टेम्पल से भी. हम पहुंच ही गए हैं अभी, तो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है मणिकरण. सो वो रहा. तो यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस भी मिलेगा जहाँ पार्क कर सकते हैं, लॉजिंग भी मिलेगा एंड लंगार में खाना भी मिलेगा. तो हम लोग बाहर ही पार्क किए क्योंकि हम लोग को स्टे नहीं करना था मणिकरण में. सो यहाँ पे भी आपको हॉट स्प्रिंग्स मिलेगा सिमिलर टू वशिष्ठ टेम्पल, एंड ये बोथ मैन एंड वुमेन सेक्शन से डिवाइडेड है. एंड इस पानी में सल्फर नहीं है. एंड इस ये पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस और जिसके पेन है जॉइंट्स में, तो ये हॉट स्प्रिंग्स काफ़ी अच्छा है. एंड मणिकरण में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स है जिसका टेम्परेचर 60 to 84 डिग्री सेल्सियस से भी रेंज करता है. और मैंने सुना है कि टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट स्प्रिंग्स कितना हाई होता है कि यहाँ पे लंगार का खाना भी बनता है. तो अब अंदर जाके पता चलेगा खाना कैसे बनता है हॉट स्प्रिंग्स में. सो गोइंग इनसाइड टेम्पल इट लेड अस टू अ नैरो पाथवे. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हॉट केव्स मिलेंगे एंड देव देवियों के मंदिर, एंड उसका वीडियो मैंने नहीं लिया. एंड दिस पाथवे लीड्स टू अ मार्केट. सो इस मार्केट में आपको बहुत सारे पूजा के सामान एंड ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे. एंड यहीं पर शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में ही आपको हॉट स्प्रिंग्स दिखेंगे, स्मॉल हॉट स्प्रिंग्स. सो इन सब हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और पॉट्स में दाल, सब्जी, राइस रख के इन हॉट स्प्रिंग्स में डाला जाता है कवर करके, तो यहीं से लंगार का खाना बनाया जाता है. तो आप देख सकते हैं पॉट्स को रखा गया है हॉट स्प्रिंग्स पे.
शिव टेंपल के नीचे आपको हॉट स्प्रिंग मिलेगा जहाँ पे आप पैर और हाथ धो सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर लो है, काफ़ी लो है। तो बाकी हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर तो काफ़ी हाई है, आपका हाथ जल सकता है, पर ये वाला इतना भी हाई नहीं है टेम्परेचर। तो पूजा हो गई है तो अब हम लंगार जा रहे हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ पूरी ये सब बनाया जाता है उस किचन में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं जो कि खाना परोसते हैं, बर्तन धोते हैं। सो ये ट्रिप काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे लोगों से मिले, जगह घूमे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई जगह पे। बाय बाय, कीप वॉचिंग।